कमर भर पानी लगा हुआ दरभंगा में, दरभंगा में वहाँ तो किसी से मिल डीएमसीएच अस्पताल, डीएमसीएच अस्पताल की है स्थिति ऐसी है कि पूरा बिहार में यदि सबसे गड़बड़ स्थिति होगी तो डीएमसीएच की स्थिति होगी। एक शहाबुद्दीन के तरह मरवाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। जब शहाबुद्दीन जी पूरा स्वस्थ थे तो उसे जेल से निगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव लेके मारना चाह रहे थे, उसी तरह यदि ऐसा हुआ तो बिहार नहीं पूरा भारत उस दिन जल जाएगा और बिहार के हरेक युवा नौजवान बिहार नहीं पूरे भारत के पप्पू यादव के लिए सड़क पर उतरेंगे और पूरा बिहार को नहीं पूरा भारत को जला दिया जाएगा उस दिन। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जैक्सन। जाप सुप्रीमो और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव इन दिनों 32 साल पुराने मामले में पुलिस कस्टडी में है, दरभंगा में अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि उनकी तबीयत इस वक्त और भी बिगड़ गई है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। इस संबंधित बातचीत करने के लिए हमारे साथ रितेश से, रितेश से बात करेंगे कि बताइए कि कैसे देखते हैं 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव पुलिस कस्टडी में है, दरभंगा में इलाज करा रहा है, लेकिन रात में जो खबर निकल कर सामने आई है इन्फेक्शन हो गया है, गॉल ब्लैडर में जो है पानी वगैरह इस तरह का कुछ बात। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पहले ही इससे पहले जो बाढ़ पटना में भीषण बाढ़ आई और जाप सुप्रीमो और गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी के द्वारा पूरा बाढ़ में राहत बांटा गया। पटना में कोई सत्ता या विपक्ष कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ पप्पू यादव जी के द्वारा हर जगह राहत सामग्री बांटा गया। उस बाढ़ के वो गंदे पानी में रहने के कारण से तभी से ही उसको इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई। इस बीच में जेल जाने से पहले एक महीना पहले वो ऑपरेशन करा के आए थे, मगर इन्फेक्शन ज़्यादा ही हो रहा था। फिर भी 32 साल पुराने मामले में जो पप्पू यादव जी को जो जेल में दी गई है, नीतीश कुमार के खिलाफ जो आजकल के डेट में बोलेंगे उसी को दबाने का काम करते हैं, उसको जेल में देने का काम करते हैं नीतीश कुमार जी। 32 साल से क्या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन और पुलिस के अभियोजन पक्ष क्या खा के सो भांग पी के सोई हुई थी जो आज तक कभी 32 साल के मामले में अभी निकाला गया, जबकि 16 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है मगर वो कभी ने आज तक चर्चा किए। इस बीच में जब बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा करीब 150 एम्बुलेंस अपने घर में छुपा के रखा गया और करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला अपने सांसद निधि और क्षेत्र के लिए किया गया, उसका जब उजागर माननीय सांसद पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के द्वारा की गई तो उसको 32 साल पुराने मामले में पटना से लाया गया और पटना से वीरपुर जेल शिफ्ट कर गया, जबकि उसकी स्वास्थ्य अभी भी बहुत खराब है और हम लोग कोई भी वहां जाते हैं तो न मिलने दिया जाता है न उनसे बात हो पाती है। इसलिए बिहार की ये कुकर्मी सरकार जो है पूरा देश को बर्बाद करने में लगी हुई है और बिहार की हालत पूरा बदतर है, हत्या लूट बलात्कार यहाँ आम बात हो गई है। और ये केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की जब से ही आई है तो महंगाई देख रहे हैं अभी क्या महंगाई है, और इसके लिए यदि कोई भी आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबा देना चाहते हैं। बीते 3-4 रोज पहले आप लोग देखे होंगे कि दैनिक भास्कर का जब सच्चाई खबर सामने लाती है तो उस पर रेड मारा दिया जाता है, तो इसके लिए इससे पूर्व में आप देखे होंगे कि शहाबुद्दीन जी जो सिवान के कदावर नेता थे और जबकि उसको कोरोना पॉजिटिव बता के निगेटिव कोरोना निगेटिव था तो उसको पॉजिटिव बता के जब एक हट्टे कत्ते स्वस्थ आदमी को निगेटिव कर सकते हैं तो माननीय सांसद जी बीमार है। इस सरकार इसके साथ कुछ भी कर सकती है, सरकार अपने इशारे पर नचाने लगी है। जिसका ये तो हो गया, जिसका शासन उसी का राज करवाना चाह रही है, मगर पप्पू यादव जी न अभी सांसद है न विधायक है मगर एक उसके ऊपर एक मसीहा का टैग लग चुका है। जानते हैं कि कहीं भी बाढ़ हो, कोरोना हो, कोई भी आपदा आए, कोई भी आपदा में कोई न सत्ता को खोजती है न विपक्ष को खोजती है, सिर्फ एक पप्पू यादव जी उस समय अभी रहते हैं। यदि इस कोरोना काल में भी देख रहे होंगे इससे बाढ़ हो कोई भी आपदा आए नहीं, कहीं कोई मर जाए, कहीं कोई हत्या हो, कोई बलात्कार हो, कुछ भी हो तो वहाँ सबसे पहले पप्पू यादव जी जाते हैं, उसको यथासंभव मदद करते हैं। और पप्पू यादव जी से अभी बिहार के युवा नौजवान हर एक वर्ग को एक खास उम्मीद है कि जो बिहार के एक बदलाव के लिए ही पप्पू यादव जी ही एक विकल्प रह गया है। इन्फेक्शन हो गया है गॉल ब्लैडर में, 3 दिनों से बुखार है, नींद नहीं आ रही है, कैसे देखते हैं? ये सरकार इसे एक शहाबुद्दीन के तरह मरवाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। जब शहाबुद्दीन जी पूरा स्वस्थ थे तो उसे जेल से निगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव लेके मारना चाह रहे थे, उसी तरह पप्पू यादव जी के साथ सरकार
करना चाह रहे हैं। कुछ हम लोग को तो कुछ होनी अनहोनी होने की लगती है। यदि ऐसा हुआ तो बिहार नहीं पूरा भारत उस दिन जल जाएगा और बिहार के हरेक युवा नौजवान बिहार नहीं पूरे भारत के पप्पू यादव के लिए सड़क पर उतरेंगे और पूरा बिहार को नहीं पूरा भारत को जला दिया जाएगा उस दिन। और इन्फेक्शन उसको पहले से ही बीमार रहते थे, इस जबकि वो दिखाए सब रिपोर्ट दिखाए जो मेरा इन्फेक्शन बच जाता है, मगर फिर भी उसको जेल में डाला गया। तब DMCH भेजा गया, DMCH में जाइएगा तो पूरा कमर भर पानी DMCH में लगा रहता है। और जाके देखिएगा जहाँ पे माननीय पूर्व सांसद जी को रखा गया है उसके अगल बगल में पूरा गंदगी की अंबार है, सुअर से वहाँ पे रहता है। आदमी के रहने के लायक यदि 5 मिनट वहाँ पे कोई रुक नहीं सकता, ऐसे घर में रखा गया जहाँ अगल में बगल में कोरोना पेशेंट को रखा जाता है, ICU में रखा गया। उस कहने के लिए सिर्फ ICU है मगर चारों बगल देखिएगा तो कमर भर पानी लगा हुआ। दरभंगा में वहाँ तो किसी से मिल DMCH अस्पताल की है स्थिति ऐसी है कि पूरा बिहार में यदि सबसे गड़बड़ स्थिति होगी तो DMCH की स्थिति होगी। भी है ये BJP के राजीव प्रताप रूढ़ी के इशारे पे किया गया। और सर यदि नीतीश कुमार को जरा भी शर्म लाज बची हो तो तुरंत माननीय पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द जेल से रिहा करवाने की कोशिश करेंगे। तो जाप के नेता है, नीतीश कुमार है, स्टूडेंट हैं, साफ तौर पर कहना है कि अगर पप्पू यादव को कुछ भी होता है तो हम लोग उस दिन बिहार ही नहीं बल्कि देश के सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और देश में आग लगाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, दरभंगा में अपना इलाज करा रहे हैं। और जो बीती रात एक खबर निकलकर सामने आई कि पप्पू यादव की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है और वो जो है काफ़ी बीमार चल रहे हैं। खैर क्या कुछ होता है हम आपको बताएंगे। खबर आपको कैसा लगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं खबर आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।